أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته कंप्यूटर सीरीज की ये चौथी वीडियो है। इससे पहले हम तीसरी वीडियो में देखें कि कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो तीन टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। नॉर्मली जो है सबसे पहले ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जिसके जरिए कंप्यूटर को ऑपरेट किया जाए, दूसरा सॉफ्टवेयर जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, हर वो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के एंटीबायोटिक के तौर पर काम करे या कंप्यूटर के फायदे के लिए काम करे, जिससे कंप्यूटर को फायदा हो वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाएगा। इसी तरीके से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हर वो सॉफ्टवेयर जो एक्सटर्नली तौर पे कंप्यूटर के अंदर जो इंस्टॉल किया जाए और उससे जो है अलग अलग वर्क लिया जाए, ग्राफिक सॉफ्टवेयर हो या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो या फिर हमारा पर्सनल कंपनी का कोई सॉफ्टवेयर हो जो एक्सटर्नली तौर पर कंप्यूटर में जो है इंस्टॉल किया जाए, उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहेंगे। तो आज की वीडियो जो है ये दो सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन और अनइंस्टॉलेशन पे डिपेंड है। हम आज की वीडियो में देखेंगे कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को किस तरीके से कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं, इंस्टॉल किया जाता है ये कर सकते हैं, और उसको किस तरीके से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। इसी तरीके से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम किस तरीके से अनइंस्टॉल कर सकते हैं और किस तरीके से उसको कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आज हम देखेंगे कि एंटीवायरस को हम किस तरीके से कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। हमें मालूम है कि एंटीवायरस जो है ये कंप्यूटर के अंदर होता है इसलिए कि हमें वायरसेस को खत्म करना होता है। जो भी वायरस हमारे मेमोरी के जरिए, नेट के जरिए कंप्यूटर के अंदर आते हैं तो ये उनके अगेंस्ट में जो है दफा क्या काम करता है, एंटीबायोटिक के तौर पर काम करता है। इसी तरीके से हमें जो है ग्राफिक सॉफ्टवेयर है कोरल ड्रॉ को किस तरीके से हम जो है कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं और उसका प्रोसेस क्या है, किस तरीके से इंस्टॉल किया जा सकता है और उसमें क्या दिक्कत आती है, वो चीज हमें देखनी है और उसको अनइंस्टॉल किस तरीके से।